नमस्कार मित्रों, चित्तौड़गढ़ किला किसी परिचय का मोहताज नहीं है और न ही यहाँ का कालिका माता मंदिर। यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह प्रसिद्ध मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में पद्मिनी महल के बाईं ओर स्थित है। यह बेहद शानदार मंदिर 8वीं शताब्दी में मेवाड़ राजवंश के बप्पा रावल द्वारा बनाया गया। प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था, किंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मंदिर और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बाद में 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर कालिका माता की मूर्ति स्थापना करवाई गई। तब से यह मंदिर कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मां काली अपने भद्रकाली स्वरूप में विराजित हैं। 16वीं शताब्दी में महाराणा सज्जन सिंह के समय यह अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई, जो आज भी मंदिर में निरंतर जलते हुए देखी जा सकती। कालिका माता मंदिर एक ऊंचे पोडियम पर स्थित है। इसमें बेहद सुंदर मंडप, प्रवेश द्वार, छत और खंभे हैं। मंदिर के छत, खंभे और फाटक पर एक जटिल डिजाइन बनी हुई है। इसकी वास्तुकला हैरान कर देने वाली है। कालिका माता मंदिर के पूर्व में प्रवेश द्वार को एक चट्टान पर रखा गया है। कालिका माता मंदिर परिसर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर भी है, जिसे जोगेश्वर महादेव कहा जाता है। भद्रकाली को सिसोदिया और पुरोहितों की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों द्वारा इस मंदिर का दौरा किया जाता है। देवी की पूजा मुख्य रूप से मेवाड़ के पुरोहितों की देखरेख में की जाती है। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में तो इस मंदिर की शानदार साज सजावट की जाती है, जिससे इसका सौंदर्य और भी निखर आता है। कालिका माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का रोज आना जाना रहता है। मंदिर खुलने का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो क्लिक कर दीजिए शेयर।